नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन इस प्रकार से मिलते रहें। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, एक बहुत ही छोटी सी कॉमन सेटिंग है मोबाइल में जो करनी होती है, अक्सर काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मैं बता देता हूं आपको, जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और वो लिंक जो है रीडायरेक्ट होकर ब्राउज़र पर जाती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ओपन बोल रहा है। देखिए, अब ये क्रोम पर ओपन होगा, ये एक गूगल फॉर्म है, ये जो है देखिए, और ये गूगल क्रोम पर ओपन हुआ है। अब दोस्तों अक्सर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई दूसरा ब्राउज़र सेट हो जाता है और इस तरीके से जितनी भी लिंक्स को आप क्लिक कर रहे होते हैं वह जो है बाय डिफ़ॉल्ट उस ब्राउज़र पे खुलने लगती हैं जिसका आप अमूमन इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको आप उसके यूज़फुल नहीं होते हैं, आपको उसके फ़ीचर समझ में नहीं आते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहाँ से होती है, कहाँ से इस ब्राउज़र को चेंज किया जाता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चलना है अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में। आजकल फ़ोन और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन सेटिंग्स के नाम लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ चलना है, चलने के बाद आपको चलना है एप्लीकेशन एंड परमिशंस में। तो जहाँ भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन परमिशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, देन आप चलें परमिशन मैनेजमेंट में, क्योंकि दोस्तों ये जो परमिशन से संबंधित चीज़ें हैं ये यहाँ पर आ रही हैं। अब आप सबसे लास्ट में जो ऑप्शन देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है ब्राउज़र का, ये इस ब्राउज़र पे आप क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल फ़ोन में जितने ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ऑप्शन यहाँ आ गया है। अब आप जिस भी ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे वह बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको ये वीवो का जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम दोबारा से उस लिंक पर चलते हैं जो मैंने अभी क्लिक की थी। अब देखिए, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, तो ये जो है वीवो के ब्राउज़र पर चला गया है दोस्तों, और अब ये गूगल फॉर्म जो है वीवो के ब्राउज़र पर ओपन होने लगा है। तो आप जब भी कभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेंज करना चाहें, या भूल गए हों, या आपको पता ना हो कि कैसे ब्राउज़र को चेंज किया जाता है, आपको सेटिंग्स में जाना है, परमिशंस में जाना है। परमिशन में जाने के बाद, डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग में आने के बाद, आप ब्राउज़र को जो है जहाँ से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके आप जो भी ब्राउज़र को रखना चाहें उसको आप रख सकते हैं। देन आप जितने भी लिंक्स जो होते हैं URL, उन पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होना चाहें मोबाइल फ़ोन में, चाहे आप WhatsApp चलाते हों, Facebook चलाते हों, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हों, इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप अपने जो आपका मन चाहता है जिस ब्राउज़र में ये लिंक ओपन हो उसमें आप इस तरीके से इन सेटिंग्स के माध्यम से इस तरीके से गूगल फॉर्म या अदर लिंक्स को ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, वो ढूंढते रहते हैं सेटिंग्स में, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि ये काम किस तरीके से होता है। आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, बताइए कमेंट के माध्यम से, मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा